वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 की 3.2 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 6, जिसमें हमें उन्हें लॉग दिए हुए हैं। हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट सवाल है वो है लॉग x, लॉग x इसकी बेस है हमारे पास 2, इक्वल है हमारे पास 5 के। अभी हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लॉग को ख़त्म करेंगे, तो जो लॉग की जो पावर होगी और जो इक्वल हमारी बेस होगी हम इसको इंटरचेंज करेंगे, यानी कि इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 5 इक्वल आ जाएगा एक्स, यानी कि इसको मैं यहाँ ले जाऊंगा और इसको यहाँ पर ले जाऊँगा, इनको इंटरचेंज कर देंगे। तो एक्स इक्वल आ जाएगा 2 की पावर जो 5 होती है, ये होती है 32 के। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा पार्ट सवाल नंबर 1 का। अभी हम करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है हमारे पास लॉग 9, इसकी पावर है 81, बेस है सॉरी 81, इक्वल है हमारे पास x के। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लॉग को ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 81 की पावर आ जाएगी x, इक्वल आ जाएगा 9 के। तो यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 81, तो मैं इसको भी 9 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं लिखता हूँ 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल आ जाएगा 9 की पावर 1। तो 9 इक्वल 9 के भी आ सकता है, 9 9 से कैंसिल भी हो सकता है, अपने माइंड में रखना है। 2x इक्वल आ जाएगा 1 के, और x की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 1/2। तो यही हमारा सलूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 जो है हमारे पास वो है लॉग 8, इसकी बेस है 64, इक्वल है एक्स ओवर 2 के। तो सबसे पहले हम लॉग को ख़त्म करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 64 एक्स ओवर 2 इक्वल आ जाएगा 8 के। यहाँ पर है 8, तो यहाँ पर है 64, अभी मैं इसको भी 8 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई एक्स ओवर 2 इक्वल आ जाएगा 8 के। 8 बेस जो है वो सेम होगी, तो इसकी पावर भी सेम होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, 2 से 2 कैंसिल, जो एक्स है वो इक्वल आ जाएगा 1 के। तो यही हमारा सलूशन आ जाएगा। अभी हम करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो है मेरे पास वो है लॉग एक्स, बेस एक्स है, इसकी पावर है 64 और इक्वल है हमारे 2 के। सबसे पहले मैं लॉग को ख़त्म करता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर 2 इक्वल आ जाएगा 64 के। तो यहाँ पर है 2, अभी मैं 64 का भी 2 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर 2 इक्वल आ जाएगा 8 की पावर 2। तो पावर सेम होगी तो बेस भी सेम होगी, तो या 2 से 2 कैंसिल या 2 इक्वल टू 2 कर लें अपने माइंड में ही, और x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8, यानी कि पावर जो वो सेम होगी तो हमारी बेस भी सेम होगी। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। अभी हम करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 जो है वो हमारे पास है लॉग 3 की पावर x इक्वल आ जाएगा 4 के। तो सबसे पहले हम लॉग को ख़त्म करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 4 इक्वल आ जाएगा x के, और x इक्वल आ जाएगा 3 की पावर 4 होती है 81। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लॉग को ख़त्म करना है, जो उसकी बेस और दूसरे की पावर है उसको आपस में इंटरचेंज करना है। उसके बाद हमने बेस को सेम करना है या पावर को सेम करना है, उसके बाद हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो ये थे 3.2 का पार्ट नंबर 6। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।